गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दी ऑप्शन बॉक्स। तो अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमारे चैनल पे आपकी फाइनेंस से जुड़ी हर दिक्कत का समाधान मिलने वाला है, जैसे कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हम आपके साथ बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में वीडियोस शेयर करते हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ईजी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल फाइनेंस, मतलब डिजिटल फाइनेंस क्या है, क्या इसने इम्पैक्ट किया है सोसाइटी को, इज इट लाइक रियली गुड, और इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। सब चीज़ों के बारे में हम धारणा देंगे, सब चीज़ों के बारे में हम आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। लेकिन पूरी वीडियो देखने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ और अब तक तो यू नो ये इम्प्रिंट हो जाना चाहिए कि डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट और डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। और सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक ऑप्शन बॉक्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाके डाउनलोड कर लो। साथ ही बैक टेस्टर हमारा नया फीचर है, उसको चेकआउट करना। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करके बताओ, डीएम कर सकते हो या आप हम लोगों को मेल भी कर सकते हो, सारी दिक्कतें हम वहाँ पे आपकी सॉल्व कर देंगे। क्योंकि इस फीचर के ज़रिए आप किसी भी स्टॉक के बारे में उसकी पास्ट परफॉर्मेंस जान सकते हो और एक सोचा समझा डिसीजन अपने फ्यूचर से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बना सकते हो। और साथ ही अगर आपको ब्लॉग्स पढ़ने का शौक है ना और इंटरेस्टिंग फाइनेंस से जुड़े हुए ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हो, बोरिंग नहीं पढ़ना चाहते हो, तो अभी ऑप्शन बॉक्स ब्लॉग्स भी चेक कर लो। सारे के सारे जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो करें फिर आज की वीडियो शुरू, चलो जी करते हैं फिर। सो डिजिटल फाइनेंस, जब बात आ जाती है ना डिजिटल वर्ड अगर किसी भी चीज़ के साथ में जुड़ जाए तो इसका मतलब होता है कि यार ये चीज़ ना ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है होना। तो डिजिटल फाइनेंस का भी यही मतलब है, मतलब कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हम लोगों को जाके करनी पड़ती थी, पेन एंड पेपर से होती थी, हम लोगों को उसके लिए विजिट करना पड़ता था, बैंक्स में जाना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, इंश्योरेंस के लिए जाना पड़ता था और वेरियस सर्विसेज, वो अब हमारे पास विद अ क्लिक ऑफ वन बटन हो जाती है हमारे थ्रू दी फोन, थ्रू योर लैपटॉप, योर कंप्यूटर, मतलब कि वो सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन आप कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल इज डिजिटल पेमेंट, जैसे कि जी पे है, पेटीएम है और भी बहुत, फ़ोन पे है, भीम पे है, बहुत सारी हैं। तो डिजिटल पेमेंट जो स्टार्ट हो गई है दैट हैज़ मेड आर लाइफ इजी, जिसमें कि आपको कैश कैरी करने की दिक्कत नहीं है, ऑन द स्पॉट अब कहीं पे भी आप डिजिटली ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन अपने फ़ोन की मदद से ऑन द स्पॉट पेमेंट्स कर सकते हो, जिसने कि एक तो बहुत ही ज़्यादा बूम क्रिएट किया है इंडस्ट्री में करंटली। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल करेंसी की वजह से, डिजिटल पेमेंट्स की वजह से कैश कैरी करने की दिक्कत या कैश चोरी हो जाने की जो एक डर रहता था या हमारा पैसा खो जाएगा इसका जो डर रहता था वो ख़त्म हो चुका है। मतलब कि छोटी से छोटी पेमेंट या बड़ी से बड़ी पेमेंट ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आपके आपके डिजिटल पेमेंट के थ्रू बहुत ही आसान हो चुकी है। ATM कार्ड आप कैरी कर सकते हो, डैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट ओनली। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर मेरे को जानना है मेरी इन्वेस्टमेंट्स कैसे चल रही हैं, मेरे को पहले पहले क्या होता था, पहले हम लोगों को बड़े बड़े नोट्स आते थे जी, हमारे पास आता था कि आपने इतने शेयर्स ले लिए हैं, उसके हमारे पास उसको प्रिंट करके पेपर आता था उसका कि आपके पास इतने शेयर्स हैं, आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट्स, बड़ा पैसा कुछ नहीं है। सारी की सारी डिटेल्स ऑनलाइन हमारी डीमैट अकाउंट में शो हो जाती हैं, विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ द डिजिटल फाइनेंस। देन थर्ड चीज़ हम लोग अगर बात करें इसके बारे में, तो जैसे कि मैंने कहीं से लोन लेना है तो लोन लेने के लिए भी मुझे जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं ऑनलाइन ही बाय द हेल्प ऑफ द ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम अटैच कर सकती हूँ। मेरे पास डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू दी बैंक और उसके बाद जो मेरी जो इंटरेस्ट कटना है उसके लिए मुझे पहले चेक्स देने पड़ते थे, अब वो चेक्स की भी दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ अपना अकाउंट नंबर बताना है उनको और वहीं से वो हर महीने कटता चला जाएगा। एक तो आपकी एक सिक्योरिटी है कि वो सारा का सारा जो डेटा है, सारा का सारा जो आपका फाइनेंस की जो इन्फॉर्मेशन है, एक तो वो डिजिटली है, उसके लिए आपको कोई भी कागज़ को संभाल के नहीं रखना है। आपको कैश बैंक से मैं घर लेके आ रही हूँ, मुझे डर है कि यार कहीं चोरी ना हो जाए, लोन का पैसा और स्यापा पड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ऑलरेडी वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ इट। देन ये चीज़ हमारे पास 24/7 एक्सेसिबल है, मैं कहीं पे भी हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मेरे पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है और मेरा फ़ोन है तो मैं टोटली अपने फाइनेंस के साथ, अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्टेड रह सकती हूँ। मैं किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कहीं से भी पैसा विड्रॉ कर सकती हूँ, कैश पैसा डाल सकती हूँ, अपने ATM कार्ड्स के साथ ट्रांजेक्शन्स कर सकती हूँ, विदाउट ATM ट्रांजेक्शन्स कर सकती हूँ और कहीं पर भी जाके कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्वायर कर सकती हूँ, बहुत कोई भी योजना में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। सब चीज़ें अब ऑनलाइन वन क्लिक ऑफ द बटन से अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं डिजिटल फाइनेंस।
अब एक तो सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंस जो मैंने आपको बताई वो ये है कि बहुत सारे जो क्राइम कमिट हो सकते थे, जैसे कि रॉबरी, थेफ्ट, मतलब मेरा पैसा गुम गया, मेरे कागजात गुम गए, रिस्क ऑफ लूजिंग योर एंटायर थिंग इज लाइक इज हैज बिन लॉस्ट. हम इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है. छोटा सा फ़ोन, इंटरनेट कनेक्शन और आप गुड टू गो हो. कहीं पे भी आप अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के साथ 24 घंटे इनएक्टेड हो, जुड़े हुए हो, तो ये चीज़ बहुत आसान है. लेकिन 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 क्या इसका कोई ड्रॉबैक है? तो बहुत ही दिनों से ना हम सबके फ़ोन्स के ऊपर एक मैसेज आ रहा होगा कि डू नॉट क्लिक ऑन एनी लिंक जो कि आपको आता है. तो ये बहुत टाइम से मेरे फ़ोन पर भी आता है, सबके फ़ोन में आता है. तो दिस इज़ द फियर ऑफ डिजिटल मीडिया और डिजिटल करेंसी और डिजिटल फाइनेंस की बात करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं जिनके हम लोग क्या करते हैं, हमारे फ़ोन पे कोई लिंक आता है तो हम लोगों को बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है दैट आई वांट टू ओपन दिस लिंक एंड चेक इट आउट. हम करते हैं तो वहाँ पे जाके जो हमारी डिटेल्स होती हैं, बिकॉज वो डिजिटल पे हैं हमारी डिटेल्स, वैसे तो वो काफ़ी सिक्योर हैं, बट अगर आपने वहाँ जाके अपना पिन ऐड कर दिया, आपको OTP आया, आपने वो ऐड कर दिया, आपने लिंक को क्लिक कर दिया, कुछ नहीं भी किया, लेकिन आपका अकाउंट, जैसे मैंने अगर मेरा बैंक अकाउंट उस टाइम पे ऐप के ऊपर ओपन है, लॉग आउट नहीं है, वो वहाँ से ही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ चली जाएगी और मेरा पैसा ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा एंड आई विल बी द पार्ट ऑफ दी आई विल बी द विक्टिम ऑफ दी स्कैम. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आजकल स्कैमर्स कर रहे हैं. उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए आप जाओ क्लिक करो लिंक के ऊपर और दे आर गुड टू गो विद आर मनी. तो कभी भी कोई भी लिंक आए, ऐसे अनवांटेड लिंक्स के ऊपर क्लिक मत करिए. कोई आपको कॉल करके बोले दे आर कॉलिंग फ्रॉम योर बैंक, दे वॉन्ट टू हैव योर डिटेल्स, वहाँ पे भी मत ऐसा करिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डिजिटली मेरी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं. वो मुझे फ़ोन करके नहीं पूछेंगे कि भाई आपके पास डिटेल्स हैं मुझे बता दो. और ऐसे ही अगर आपको कुछ ऐसे यू नो क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार मेरे को क्या सच में बैंक से कॉल आया था, तो आप अपने बैंक के जो आपके पर्सनल मैनेजर है, क्योंकि आजकल हर एक बैंक प्रोवाइड करता है, उनको कॉल करके आप अपनी ये क्लैरिटी भी ले सकते हो, बैंक में विजिट कर सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो. बट डू नॉट गिव एंड शेयर योर ऑनलाइन OTPs विद एनीबडी, डू नॉट क्लिक ऑन एनी लिंक्स, बिकॉज डिजिटल ने हमारी लाइफ को, डिजिटल फाइनेंस ने बहुत आसान बना दिया. लेकिन एक छोटा सा स्कैम भी है, छोटा सा ड्रॉबैक भी है इसका, जो कि छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि स्कैम होता है डिजिटली तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है. सो आई थिंक मैंने आपकी आज प्रॉब्लम्स क्लियर कर दी है. व्हाट इज़ डिजिटल फाइनेंस, हाउ इट इज़ हेल्पफुल, अभी के करंट सिनेरियो में डिजिटल फाइनेंस इज़ बूमिंग, इट इज़ विद ऑल ऑफ अस, वी एवरी डे वी यूज़ इट, एंड आई डोंट थिंक मैंने बहुत टाइम से कैश कैरी भी किया है. सो येस, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द डिजिटल फाइनेंस इंडिया नाउ. So be safe, be secure, and now information तो मैंने आपको दे ही दी है. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो don't forget to like, share, subscribe.